السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة

की रहमतों से दो जख बनाई जहनम पैदा किया जहन्नम के लिए अहल बनाए वो लोग जहनम वालों का अमल करेंगे और जहनम में दाखिल हो जाएंगे सुफान अल्लाबाशान सुफहन अल्लाहमदी सुफहन अल्लाह सलातम उसके बाद अल्लाह के आखिरी प्यारे नबी इमामबिया मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात ग्रामी पर कि जिन्होंने हम तक अल्लाह का दीन पहुँचाया जिस दिन में जन्नत का रास्ता है अपनी उम्मत को तलब इल्म की तरगीब दिलाई और बयान फरमाया कि इल्म तलब करने से जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाता है जन्नत मांगने का तरीका सिखाया जन्नत में ले जाने वाले आमाल बयान कर दिए اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حمد الصلاه کے بعد اج نو رمضان مبارک 1442 ہجری مطابق 21 أبريل 2021 आपकी खिदमत में ये सिलसिला जो पिछले कुछ महीनों से चल रहा था बड़े ही अहम तरीन मौजू पर मौत से जन्नत तक का सफर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी आपकी खिदमत में पे पेश है आज का ये आखिरी दर्स या मुहावरा है जिसमें हम इनशा वो चंद मखसूस अमाल जिसकी बदौलत इंसान को जन्नत मिलती है और जन्नत में जाने के बाद क्या होगा इंशाला बयान करेंगे तो समात फरमाई बुनियादी तौर पर इस बात को जहन में रखें कि ईमान के जो पिछले दर्श में हमने बताया था ईमान के बगैर जन्नत का तस्वर नहीं हो सकता अल्लाह ने जन्नत बनाई ईमान वालों के लिए क्योंकि काफिर बेईमान वो जख्मी जाए ईमान के बाद जो एक सबब है जन्नत में दाखिल होने का वो है अमल नेक अमल ईमान अकीदा है अपने ईमान को अपने अकीदे को शिरक से बचाना जरूरी है क्योंकि अगर इंसान शिरक करेगा तो वो दो जख्म में जाएगा जो इंसान शिरक से बचेगा वो जन्नत में जाएगा और ये हकीकत कुरान की कई मुतद आयतों में बयान की गई और नबीम के हादी में और कलमे पर मौत भी हो ला इला मोहम्मद रसोल्ला जो कलमा है ला इला का मतलब यही है कि आप अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक नहीं करें तो बात वही है ईमान अकीदा ला इला ला इला का हक ये है कि इंसान अल्लाह की इबादत करे उसके साथ किसी को शरीक ना करे क्योंकि तो शिरक से दोसख मिलेगी तो हित से जन्नत मिलेगी दूसरी चीज मुहमदर रसोल्ला है उसका तकाजा यह है कि सुन्नत पर अमल हो उसका बिदात से अपने आमाल को बचाए नबी अलैहिस्सलाम की तात और फरमाबरदारी करे इससे जन्नत मिलेगी नाफरमानी से दो की आग मिलेगी तो ये कायदा जहन में रखिए कि दो बुनियादी चीजें हैं जिससे इंसान जन्नत में दाखिल हो सकता है नंबर एक अपने ईमान अपने अकीदे की हिफाजत करना शिरक से ईमान पर अकीदे पर जिंदगी हो और उसी पर मौत हो जाए वला तम अंतुम मुस्लिमों मरते दम तक इस्लाम पर रहो और इस्लाम तो है अकीदा ईमान नंबर दो प्यारे नबी नबीलम की इतात और फरमा बरदारी हर अमल नबी नबीलम के तरीके पर होना चाहिए आप रोज़ा रखें आप उम्रा करें आप हज करें आप सबका खैरात करें आप तरावी पढ़ें जक़ातुल्फित्र निकालें उम्र नमाज पढ़ें कोई भी अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए तो यह कायदा है तो जन्नत मिलेगी अल्लाह के नबी सल्ला ने, ने कहा ना इस सिलसिले में बहुत सारे नसूस है आयत मिसाल के तौर पर शिरक बिल्ला फ़क रामा तो नार शिरक से जन्नत हराम हो जाती है शायद से पता चला नबीम के हदीफ मन मात ने दंद बुखारी की सही हदीसलम बयान फरमाया जो इस हाल में मर जाए कि उसने अल्लाह के गैर को पुकारा वो दो जख्म में जाएगा तो ये तो पहली चीज की दलील होगी सुन्नत पर अमल करना जरूरी है अल्लाह तबारक वाली बयान फरमाता है फल फितनाबहम अदाबन डरना चाहिए उन लोगों को जो नसम की मुखालिफत करते हैं कि अल्लाह किसी फितने में मुबला ना कर दे जिसकी तफसीर शिरक आई है की रिवायत में और युसीब हम आदाबली या उनको दर्दना का जब न ले

आपल्ला ने फरमाया मन अपानी दखल जन्नत और मन आसानी फकद अबा जिसने मेरी इतात की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया ये बुखारी शरीफ की हदीस इससे क्या बात मालूम होती है इससे मालूम होती है कि हर वो उम्मती जन्नत में दाखिल होगा जो अल्लाह के नबी नबीम की इतात करेगा और नबी वाल की इतात नहीं करना नबी नबीम का इनकार है ये दूसरी बात उस हदीस शरीफ से हमें मालूम हुई इसके बाद यह बात मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के, अल्ला के नबी से की जो इतात है वो हम पर वाजिब है इतात का मतलब ये है कि कोई अमल हम करें सारी बात अमल से जन्नत मिलती है तो वो अमल हमारा नबी नबीम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए जाहिर यही हो खुशु खुदू जो नबी नबीम का था तो नहीं हो सकता उस दर्जे पर तो हम नहीं पहुंच सकते लेकिन अमल का तरीका सिफत नबी नबीम के मुताबिक होनी चाहिए नबीम की इतात में क्या चीज आएगी सुनिए नंबर एक के आपने जो कौली हदीसें हैं आपने फरमाया तो उस फरमान का जो तकाज़ा है फरमान का जो तकाजा है उस पर अमल करना होगा जैसे आपने फरमाया के सल्लुमाराई तुम मुनियो सली नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा है अब यहाँ इतिहाद क्या है कि हम नबी वसम की इस हदीस को याद करके पढ़ते जाए खाली ऐसे नहीं इसका तकाजा क्या है कि नबी वसलम के तरीके पर हमारी इबादतें होंगी कयाम रुकू सजदे हाथ बानना फुलदेन वगैरह वगैरह फेल में ये तो कौल का तकाजा फेल में अमल नबीम ने जिस तरीके से वजू किया राम बांधा नमाज पढ़ी अमल और उमरा किया हज किया टंकनियां मारी बहुत सारे अमल कुर्बानी दी तो अमल नबी नबीम जैसे क्या वैसे करना है अल्लाह की इबादत हम अपनी ख्वाहिश से नहीं कर सकते हैं वो इबादत रद्द होकर दी जाएगी जो ख्वाहिशा से होगी औरत की ख्वाहिश हो रही है कि वो घर में बैठ कर एहतिकाफ करे रमजान आया ना रमजान में मसला और चाहती है कि वो घर में बैठ कर एहतिकाफ करे तो उसका एहतिकाफी इबादत हो गई नहीं क्यों सुन्नत की मुखालिफत हो रही है यहाँ पर एहतिकाफ मस्जिद में होता है घर में औरत का एहतिकाफ होना सुन्नत नहीं एक इंसान की ख्वाहिश हो रही है कि वो घोड़े की कुर्बानी दे ऐसा है भाई कुर्बानी देना चाहता है घोड़े की क्या हम कहेंगे कि ये सुन्नत है क्या हम कहेंगे कि इसकी कुर्बानी अल्लाह की यहां कबूल होगी और इसको जन्नत मिलेगी इसके बदले ना हर्गिज ने क्यों इसलिए कि ये सुन्नत की मुखालिफत है घोड़ी की का तरीका नहीं है खाद से आप नहीं कर सकते हैं जो नबीलाम ने किया है तो यही करना होगा वैसे ही करना होगा अब्दुल्लाबिन उमर रद्ण ने ईद के मौके पर जो है एक आदमी को देखा ईद आ रही ना हमारे पास भी इन शैर से लाए तो ईद के मौके पर उसने जो है तकबीर बांधी लकबर मुसल्ले में ईदगाह में तो रोक दिया अब्दुल्बिन उमराम ये क्या कर रहे हो हमें दो रखा ए पढ़ रहा हूँ कि ये कौन उन्होंने उस का कि मैं दो रखा पढ़ना चाहता हूं। आप मुझे रोकते हैं अल्लाह इस अल्ला अल्ला तुम्हें इसलिए आजाब नहीं देगा कि तुम दो रखात पढ़ रहे हो अल्लाह इसलिए अजाब देगा कि तुम सुन्नत की मुखालिफत कर रहे हो और ईदगाह में ईद से पहले या ईद के बाद कोई सुन्नत नहीं आदमी को छींक आई उसने क्या पढ़ा आखिरी मिसाल छींक आने पर क्या है सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना अगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रसोल्ला केलफ में एक वाकया हुआ कहा कि हमको ऐसा नहीं सिखाया गया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है वसलात वसलाम रसुल्ला बेशक असलात वाम सही होगा यहां इसको नहीं पढ़ेंगे आप क्योंकि यह सुन्नत की मुखालफत है हमारा अमल सुन्नत के मुताबिक होना बहुत जरूरी है इसका खासकर यह बुनियादी चीज है जो हमें जन्नत में ले जाएगी एक ईमान और अकीदे को शिर्क से बचाना नंबर दो अमाल को बिदात से मुखालफतों से नबीम के तरीके से हट कर नहीं करना जो नबीम ने किया जिस तरीके पर किया वैसे करना चलिए इसके बाद चंद अमाल मखसूस जिनके मुतिक अहदीत वारिद हुई हैं कि वो अमाल हम डेली बेसिस पे करेंगे तो उसके वजह से इनशाला हमें जन्नत मिलेगी उसमें से एक चीज है हर फर्ज नमाज के बाद ऐतल कुर्सी पढ़ना फर्ज नमाज के बाद असकार है उनमें से एक है ऐतल कुर्सी और इस सिलसिले में अल्लाह के नबी नबीम की, की दलीलें अब तो मरेगा तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा यहाँ जिक्र की फजिलत हुई और वह ऐतल कुर्सी है मिसाल के तौर पर इसी तरीके से सोने से पहले भी ऐतल कुर्सी का पढ़ना जन्नत में जाने का एक अहम है नंबर दो रोजाना बारह रखा सुन्नते पढ़ना, रात और दिन यह अल्लाह के रबीम की सुन्नत भी है और इसकी वजह से जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है दलील सही मुस्लिम की रिवायत है, कीमला बिन तबी सुफियान रदी अल्लाह फरमाती हैं मैंने रसूल को यह फरमाते हुए सुना है

या उसके लिए जन्नत में एक महल बनाया जाएगा इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमान ने वायद किया है बारह रकात सुन्नत फर्ज के अलावा और वो बारह रकात कैसी होगी फजर की दो जोहर से पहले चार छह हो गए जोहर के बाद दो आठ हो गए मगरिब के बाद दो दस हो गए ईशा के बाद दो बारह हो गए इसी तरीके से अच्छे अखलाक भी वो अमल साल है जिसकी बदौलत इंसान जन्नत में दाखिल हो सकता है

अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क्यामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे वजनी अगर भारी कोई चीज़ होगी तो अच्छे अखलाक होंगे और यकीन अल्लाह फाहिश बुरे इंसान को पसंद नहीं करता है इस हदीस में हुसन खुलुक अच्छे अखलाक जो हमारे नबी वसलम की सिफत रही है जैसा कि हदीस से मालूम हुआ है उमूा में आयशा रसी ने पूछा हमारे उसम के अख्लाक कैसे थे उन्होंने अर्ज किया कि क्या तुम कुरानी नहीं पढ़ते हो जो कुरान में है वो हमारे उसम की जिंदगी में था तो अच्छे अखलाक की बदौलत इंसान जन्नत में जाता है और आपको पता है वो औरत जो जो है नमाज पढ़ती थी रोज़ा रखती थी लेकिन अपनी जबान से पड़ोसियों को तकलीफ देती थी यानी बद अखलाक तो अल्लाह तला ने उसकी वजह से उसको जहन में दाखिल कर दिया अबूरे औरतों की एक और एक रिबात अल्लाह के बयान फरमाते अकमल अल्लाह के नबी हसन शाद फरमाते हैं तिरमिदी शरीफ की सही सनत की हदीत है हसन हसन और सही अल्लाह के विस्लम फरमाते मोमिनों में सबसे पक्का मोमिन कामिल मोमिन वो है जिसके अखिलाफ सबसे अच्छे हों और तुम्हें सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा होता है घर वालों के साथ इसी तरीके से उमन आयशा मोमिनशा रजन फरमाती है कि अल्लाह के नबीसम को मैंने ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान मोमिन या मोमिन अपने हसन खुल्क अच्छे अखलाक की बदौलत रात में क्याम करने वाले दिन में रोजा रखने वाले के मुकाम को हासिल करता है इस हदीस को इमाम ने रिवायत किया इसी तरीके से हर वजू के बाद दो रकात नमाज पढ़ना यह भी सबब है जन्नत में जाने का बुखारी मुस्लिम की हदीस अबूरमाते तो हैं अल्लाह के नबीम ने हज़रत बिलाल रदील से फजर की नमाज के वक्त पूछा ए बिलीम मुझे बताओ ए बिलाल रदील कि तुमने इस्लाम में सबसे अच्छा अमल जिसकी तुमको बहुत ज्यादा उम्मीद है वो क्या है जो तुमने किया है तो नबी नबीम ने मजीद ये बयान फरमाया कि मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतियों की आवाज को सुना है क्या वजह है क्या अमल तुम करते हो? तो नहीं मानता तो बिलाल रतिया तो बयान फरमाते हैं माँ आमिल तो अमिली अन्यलम अतः हर कोर लेलिन भी बली और के दे हैं। बिलाल मैंने जो भी अमल किया है तो उस आ, उन अमाल में से सबसे ज्यादा जिस अमल की मुझे उम्मीद है वो ये है कि मैं जब भी वजू करता हूँ चाहे रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो तो मैं उस वज़ू के बाद जितना हो सके दो दो रक़ा तमाश पढ़ता हूँ सैयदू ये बुखार मुसलिम की हदीस है इसी तरीके से मसाजिद में मर्दों के लिए पंज नमाजों की पाबंदी और औरतों के लिए घरों में वक्त मकरार पर वक्ता नमाजों की पाबंदी ये भी वो चीज है जिससे इंसान को जन्नत मिलती है और यह बहुत अहम तरीन सबब है सिर्फ जन्नत में जाने का नहीं बल्कि अल्लाह लग के नबी वम की रिफाकत का भी आपके साथ रबिया बिन काबलमी रदी अल्लाह की हदीफ है रबिया बिन काबलमी रदी अल्लाह बयान रमाते हैं मैं रसूल के साथ रात में था आपके वजू करने का पानी में लेकर आया तो अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछा कि मांगो कोई चीज कहा कि मुराफत आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ आप, आप ने फरमाया क्या इसके अलावा कुछ और उन्होंने कहा कि नहीं बस यही चाहिए यही मेरी मांग है कि आपके साथ मैं जन्नत में रहना चाहता हूँ बहुत बड़ी चीज अल्लाह ने फरमाया फाइन नहीं आलहीपसी का भी कहती तुम ज्यादा नफिल नमाज पढ़ो इस हदीस को बाद लोग ये समझे हैं कि ज्यादा सजदे करना सिर्फ सजदे करते हैं बाद लोग यहाँ कसरत सुजूद से मुराद नफिल नमाजें हैं तो कसरत से नफिल नमाजें पढ़ना ये जन्नत में जाने का एक सबब भी है और नबी नबीलम की सोहबत भी है और सोहबत का ये मतलब नहीं है कि वो नबी इसम के साथ होगा बिल्कुल नबी नबीलम जाहिर बात है जन्नत में सबसे आला दर्जे में होंगे अंबिया के साथ सबसे ऊंचा दर्जा होगा वहां आम उम्मत ही तो नहीं रहेगा तो सोबत का ये मतलब है या तो उसको मुलाकात होगी या बहरहाल वो करीब रहेगा दूर नहीं रहेगा ये मतलब ने तफसी में, में बयान किया है इसी तरीके से अबू अबूम की हदीफ अल्लाह के नबी से बयान वरमाते हैं पंज वक्ता नमाजें फर्ज और जुमा से जुमा तक रमजान से रमबान ये अगर बड़े गुनाहों से बच जाए तो इसकी वजह से अल्लाह ताला सारे छोटे गुनाहों को माफ़ कर देता है इसी तरीके से अल्लाह के नबी नबीम के और एक हदीस से पंज वक्ता नमाजों के बारे में अभी जो हदीस मैंने पढ़ी वो मुस्लिम की अगली हदीस भी है मुस्लिम की है अल्लाह के बयान पंच वक्ता नमाजों की मिसाल ऐसी है जैसे तुम में से किसी के घर के दरवाजे के सामने नहर बहती हो साफ पानी की और रोजाना वो पानी इस्तेमाल करते हुए इंसान पांच दफा शावर आ, क्या बोलते नहाता है उससे क्या उसके जिसम पर कुछ मैल और कुछ बाकी रहेगा कुछ नहीं अल्लाह ताला भी ऐसे ही वक्ता फर्द नमाजों से इंसान के सारे गुनाहों को माफ कर देगा धो देगा जब गुनाह माफ तो वो जन्नत में जाएगा ये मतलब इसलिए पर इस हदीस को लाया गया इसी तरीके से हज की अदायगी भी एक बड़ा अह, अहम सबब है जिससे इंसान को जन्नत मिल सकती है अबूम की रिवायत अल्लाह के फरमाया अबू की हदीस कहते हैं कि मैंने के फरमाते हुए सुना मन हज जिसने हज किया और अहराम की पाबंदियां की बुराइयों से अपने हज को बचाया वो ऐसे लौटेगा जैसे आज ही उसकी अम्मी ने उसको पैदा किया मतलब कोई गुना नहीं सारे गुनाहों को बख्शवा कर साफ करते हुए माफी उसकी माफी हो जाएगी और वो ऐसे लौटेगा तो जाहिर बात इसका मतलब जन्नत क्योंकि ब, बच्चा जब आज पैदा होता है तो उसका कोई गुना नहीं तो गुना नहीं है तो सजा नहीं तो सजा नहीं है तो जन्नत है इसी तरीके से रास्ते से तकलीफ दह चीज हटा तकलीफ दह चीजों को हटाना यह भी एक ऐसा अमल सबब है ऐसा अमल है जो सबब बनेगा जन्नत में दाखिले का सही मुस्लिम की अब ने फरमाते हैं कि के मैंने एक आदमी को जन्नत में नेमतों में देखा जन्नत में खूब नमतें लूट रहा था वो फी शरा एक दरख्त के पास कपाह तरीकान क्या किस किस चीज के सबब एक दरख्त के सबब वो दरख्त को उसने काट दिया था क्योंकि वो दरख्त लोग जो वहां से गुजर रहे थे पास हो रहे थे आमदोरफ्त उन लोगों को उस दरख्त की वजह से तकलीफ हो रही थी तो लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए उसने उस दरख्त को काट दिया इस हरीज को इमाम मुस्लिम रह ने बात किया देखिए अमल देखिए और जन्नत इसके वो देखी उस तरीके से लोग बिला जर... अगर कोई इंसान बिला सबब बिला हाजत लोगों से मांगता ना फिरे अपने आप को बचाए इससे तो ये भी एक ऐसा सबब है जिसकी वजह से जन्नत उसको मिलेगी और बुखारी और मुस्लिम की सिलसिले में यह हदीत है जो अल्लाह के ने हदीस में बयान फरमाया कि इंसान अगर अपने आप को बेनियास कर दे और सब्र करे तो अल्लाह तबार बदल, बदले जो है इस खै बड़ा अजीम खैर देगा जो कि जन्नत की शक्ल में हो बेटियों के साथ हुसन सलूक सुबहानल्ला बड़ा अहम तरीन सबब है जिससे इंसान को जन्नत मिलती है और एहसान का मतलब क्या है बच्चियां हो दो या तीन या चार या उससे ज्यादा उनकी तरबियत करना सब्र करना उनकी अच्छी इस्लामी तरबियत करना और सब्र करना इसकी बदौलत लड़कियों के माँ बाप को जन्नत मिलेगी सुबहानल्ला सुनिए उम्र मन आयशा रजी अल्ला फरमाती हैं दखलत इमरात महा इबनता एक औरत अपनी दो बेटियों को लेकर आई कुछ मांगने के लिए फलम तजिदी आई रतम मेरे पास कुछ भी नहीं था उसको देने के लिए सिवाय एक दाना खजूर के अल्लाह उठबर नबीलाम का घर आज हमारे घर में कितने खजूर है कितने फल इफतारी में क्या हाल था आज ही इफ्तारी करें ना अल्लाह की नहमतें शुक्र अदा कीजिए उमिन ने आयार उदम फरमा दिए मेरे घर में जब वो मांगने के लिए आए तो एक दाना खजूर का था बस फातही तो वो एक खजूर का दाना एक पीस एक खजूर मैंने उस खातून को उस औरत को जो दो बेटियों को लेकर आई थी मैंने उसको दे दिया फमत हा बइना इबन तई ثم قامت فخرجت उसने क्या किया उस एक खजूर के दो हिस्से किए और दो बेटियों को दे दिए और उठकर चलने लगी निकल गई फ़दखला नबी नफा अकबर तू कुछ लम्हा गुजरा के प्यारे नबी वम तशरीफ लाए मैंने ये वाकया इस औरत का मैंने नबीलाम को बयान भरमा दिया प्यारे नबी वम क्या बयान भरमाते हैं सुनिए है। अल्लाह अकबर मनुप्त लिया मिन बनाती विषयार जो इन बेटियों की वजह से आजमाया जाता है आजमाइश और वह सब्र करता है तो ये बेटियाँ जहन्नम का आड़ बनेंगी उसको जहन्नम में दाखिल होने और एक रिवायत में है अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई वाली बने कोई जिम्मेदार हो इन बेटियों का बच्चियों का और उनके साथ वो अच्छा सलूक करता है एहसान करता है अच्छी तरबियत करता है तो ये आड़ बनेंगी दो सुभान हुआ। आज बेटी की पैदाइश पर यहाँ इस हदीस से या इन हदीसों से हमें यह बात मालूम होती है कि बेटियां आपको जन्नत में रह जाएंगी आज हमारा माहौल ये जहेज की लानत की वजह से ये जहेज की बर्बादी देखिए कितना बुरा अमल है उसकी वजह से बेटी की पैदाइश को बुरा तसूर किया जाता है हम जन्नत की बात कर रहे हैं बेटियां जन्नत में जाने का सबब है कब जब उनकी सही तरबियत की जाए और उनके हकूक अदा किए जाए सब्र करें तरबियत करें इसलाह करें उनकी शादियां करें अल्लाह लेकिन अफसोस हमारे मुआशरे में एक दो तीन एक बेटी हो गई उसके बाद इंतजार बेटे का फिर बेटी हो गई इंतजार अब तो भी बेटा होता शायद फिर बेटी हो गई हदीसों में खुशखबरी सुनाई गई है जिसकी तीन बेटियां जिसकी दो बेटियां जिसकी चार बेटियां हदीसों में खुशखबरी है एक दोनों कई रिवायतें अदबुल मुफरत की हदीसें अगर आप पढ़ के देखें हैरान हो जाएंगे आप बेटियों के बारे में जो हदीसें आएंगे बेटियों के बारे में बेटों के बारे में नहीं है अगर बेटों की भी तरबियत करने का फायदा होगा हमारा हाल यह जिहालत की हद यह है कि बीवी को तलाक दे देता सास कहती है कि नहीं ये खाली बच्चियां पैदा कर रही है बच्ची वो पैदा कर रही है अल्लाह पैदा कर रहा है ये तो सबब है मांतन तो है, हमारे नबी इसम को क्या था बेटियां बड़े बड़े उलमा की बेटियां हैं अल्लाह बेटियां नहीं बचे सबब बनती है जन्नत में जाने का अल्लाह कबार इसी तरीके से अल्लाह से दुआएं करना सैदफार

अबूबी का साथ पड़ता है सुबह और उसी दिन मर जाता है शाम होने से पहले तो वो जन्नत जन्नतियों में से वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा और जो इसको रात में पढ़ता है यानी मगरब के बाद या असर के बाद शाम यकीन के साथ इस सैद्खबार को फमा तबलाई उसमें सुबह होने से पहले उसकी मौत वाक़ हो जाती है अल्लाह वसम फरमाए जन्ना वो अहिल जन्नत में से होगा इस हदीस को इमाम बखारी रहमला ने रिवायत किया है ये चंद अमाल मखसूस थे जिनके मुतिक हमें रिवायतें मिलती हैं कि इसकी वजह से इंसान को जन्नत मिलती है इसी तरीके से हर नेक अमल की बदौलत इंसान को जन्नत मिलती है और रमजान एक अच्छा मौका है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा नेक अमल कर सकते हैं क्यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे तराजू होगा दो पड़े हो मत के दिन तोला जाना बरहक है नबी फरमाते हैं तराजू की एक जबान होगी दो पड़े होंगे एक में नकियां रखी जाएंगी अच्छे काम नमाज रोजाई अभी जो आमाल हमने बयान किया दूसरे पड़े में बुराइयां अब या तो ये ज्यादा या तो ये ज्यादा या तो दोनों बराबर आराफ वाले अगर नेकियों का पड़ला भारी हो गया तो इंसान को जन्नत मिलेगी दाहिने हाथ में उसका नाम दिया जाएगा और वो खुश होकर जन्नत में जाएगा खुश खुश होगा कहेगा हाउ मुकर हिसाबिया ये लो मेरा नाम पढ़ो मुझे यकीन था मेरे हिसाब पर ईमान था उसका कि मैं नेक अमल करूंगा मुझे इसका अच्छा बदला मिलेगा रोजा रखूंगा इसका बदला मिलेगा तिलावत करूंगा इसका बदला मिलेगा सबका खैरात करूंगा इसका बदला मिलेगा और अगर किसी का बुराइयों का पलड़ा भारी हो जाए और नेकियों का पलड़ा ऊपर चला जाए तो वो अफसोस करेगा कहेगा या अलैथे लम उत किताबिया वला मदरी मा हिसाबिया हाय मुझे ने, मेरा नाम है अमल ना मिलता मुझे पता ही नहीं होता मेरा हिसाब वो जहन्नम में जाएगा फमन सकु फमन सकुलत मवाजिनु फवफी عيشतु रादिया ومن خفت مبازینو فامه هاویه وما अगर किसी के बराबर हो जाएं अच्छा ये ज्यादा मतलब मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए सौ नेकिया नाइन्टी गुना तो सौ नेकिया हो ये भारी हो गया जन्नत में जाएगा नाइन्टी बुराइयां अगर हैं वो हल्का है जन्नत में जाएगा सौ बुराइया नबे नेकियां तो कौन सा वजनी हो गया बुराइयों का जन्न में जाएगा किसी के अगर बराबर बराबर हो सौ 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 नेकिया सौ बुराइयां मिसाल इनको कहते हैं आराफ वाले ये इब्तदा में ना जन्नत में जाएंगे ना जहन्नम में जाएंगे बल्कि जन्नत और जहन्नम के बीच में इनको रखा जाएगा आराफ इसीलिए कहते हैं आराफ ऊंची जगह को कहते हैं उर्फ उर्फद्दीक कहते हैं ये मुर्गा होता है ना मुर्गे के ऊपर यहाँ होता है देखिए ऐसे बनाओ उसको कहते हैं इनके बारे में कुरान में ये आयतें आई हैं कुरान में आय, आयतें आई हैं जिन आयतों का खुलासा ये है कि ये लोग जिनकी नेकियां और गुना बराबर बराबर थे ये लोग एक मुद्दत तक जितना अल्लाह चाहेगा कि ये लोग ना जन्नत में जाएंगे ना जहनम के बीच में रहेंगे उनकी निगाह जब जहन्नम की तरफ पड़ेगी तो अल्लाह से दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला इससे हमें बचा इन अजाबों से इन तकलीफों से इन मुसीबतों से जैसे ही उनकी नजर जो है उनकी निगाह जन्नत की तरफ पड़ेगी तो वो लोग अल्लाह से दुआएं करेंगे कि अल्लाह हमको जन्नत दाखिल फरमा दे अल्लाह हमको जन्नत दाखिल देख एक मुद्दत के बाद इन आराफ वालों के साथ ये मामला होगा कि अल्लाह अपनी रहमत से इनको जन्नत में दाखिल कर देगा जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर बराबर होंगे जिंदगी में मैंने आपने कितनी की हैं कोई हिसाब है कितने गुनाह किए हैं आपने मैंने अच्छा हिसाब कब से होता है पता है आपको जवानी से लड़की जब बालिग हो गई मरने तक नेकिया बुराइयां लड़का जब बालिग हो गया चाहे वो पंद्रह साल का हो या अमूमी तौर पर पंद्रह साल अब फिफ्टीन या जब भी बालिक हो जाए वो उससे मौत तक उसके अमाल को देखा जाएगा अकीदा सही था शिरक पर था तो वो तो जहन्नम है बता दिया हमने नहीं शिरक नहीं किया था अकीदा सही था आमाल देखे जाएंगे आमाल ज्यादा है नेकियां ज्यादा हैं जन्नत सीधा अगर आमाल में नेकियां अमल में नेकियां ज्यादा नहीं है गुना ज्यादा है और वो गुना जो है बहुत सारे थे लेकिन उसमें शिरक नहीं था क्योंकि तोहित पर मर गया तोहहीद पर मरने वाला दो किस्म का होगा या तो उसकी नेकियां गुनाहों से ज्यादा होंगी या तो उसके गुना नेकियों से ज्यादा होंगे या दोनों बराबर होंगे ठीक है ना तीन है अगर नेकियां ज्यादा तो जन्नत तोहेद पर मरने वाला हाँ शिरक नहीं, नहीं किया नंबर दो अगर गुना ज्यादा नेकियां कम अल्लाह की मशीयत के तहत है अब अल्लाह की मर्जी अल्लाह चाहे इसको सजा दे उन गुनाहों की क्योंकि तोहिद पर मर गया शिरक नहीं किया दूसरे गुना किया शिरक नहीं किया अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह इसको माफ करके जन्नत में दाखिल कर देगा या अल्लाह चाहेगा तो इसके गुनाहों की इसको सजा देकर जन्न जन्नत जन्न में दाखिल करेगा और सजा का मतलब मालूम है अगर एक दिन की सजा तय हुई किसी की हाँ कितने साल पचास हजार साल के बराबर अगर किसी के बारे में लिखा गया इनको दो दिन की सजा जन्नम में दो और उसके बाद जन्नत में डालो तो दो दिन का मतलब एक लाख साल अल्लाह मुझे और आपको समय पूरा अगर बराबर बराबर हो तो फिर आराफ वाले जैसा कि हमने बयान किया बहरहाल ये मुख्तसर इसके बारे में था जो शिरक पर मर गए वो दो में हमेशा जाएंगे उनको जन्नत नहीं जो कुफ्र पर मर गए वो भी जन्नत में बिल्कुल नहीं जाएंगे इसके बाद एक और एक तरीके से जो अलमा समझाते हैं नुस से जन्नत में जो लोग दाखिल होंगे तीन किस्म के लोग होंगे नंबर एक बगैर हिसाब और अजाब के जिसका जिक्र हो चुका जो सत्तर हजार होंगे हर हजार के साथ सत्तर हजार जिसका जिक्र हमने बता दिया वो की जो हदीस है जिसमें उन्होंने दुआ करवाई थी नंबर दो दुखुल अवली बिना दोजख देखे बिना अजाब चखे सीधे जन्नत में जाएंगे तो। नंबर तीन जन्नत में दाखिल होने वालों की किस्म तीसरी और आखिरी सजा काट कर जन्नत में दाखिल होगी इस सिलसिले में बहुत सारी रिवायत उसमें से वो हदीत है जिसमें अल्लाह के नबी नबीसम की सिफारिश होगी अहले तौहीद के लिए जो बड़े बड़े गुनाह करते थे और अल्लाह ने उनके लिए ये लिखा या चाहा कि उनको सजा मिले तो वो सजा काट रहे होंगे बिल्कुल कोयले के जैसे होंगे हदीस से मौजूद है मुस्लिम शरीफ वगैरह के नबीलाम सिफारिश करेंगे उनको नबी नबीम की सिफारिश कबूल की जाएगी उन बड़े बड़े गुनाहों की सजा जो जहन्नम में काट रहे थे उनको नहरुल हयात एक हदीस के हदीस में लफ्ज आया है नहरल हयात यानी जिंदगी की नहर उसमें उनको डुबाया जाएगा और उनको वो काले बिल्कुल काले हो जाएंगे जले भुने काले तो उस नहरुल हयात में उनको जब दाखिल किया जाएगा फिर निकाला जाएगा तो उनके जिस्म सही हो जाएंगे फिर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा नबी नबीसम की सिफारिश की बदौलत फिर जब जन्नत में लोग जाएंगे जन्नत में जाने के लिए बेहद बेहतरीन शानदार इस्तेबाल होगा फरिश्ते उनका इस्तेवाल होंगे हमने बता दिया पिछले दरस में आठ दरवाजे हैं जन्नत के जो है आठ दरवाजे हैं और हर एक के बास के नाम आए हैं बास के जो है ये क्लिप्स वगैरह जो हम भेज रहे हैं उसमें तफसील से हमने बताया बास के नाम आए हैं एक, एक बुखारी की हदीस में तकरीबन चार दरवाजों के नाम हैं और बाद और रिवायतों में बाकी दरवाजों के नाम हैं कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी होंगे जिनमें औरतें भी होंगी मर्द भी होंगे जिनके लिए आठों दरवाजे खोले जाएंगे मिसाल के तौर पर वो औरत जो रम, अपनी पंज वक्ता नमाजों की पाबंदी करती है शोहर की ताद करती है रमजान के रोजे रखती है अपनी अपनी हिफाजत करती है तो ऐसी नेक खातून से जो है कहा जाए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाओ ऐसे और भी मर्द भी होंगे ऐसे जिनके हदीस से आए अब बाबुल बाबुलर्रैान का तो आपने सुना बाबुल सदका बाबुल बाबुलरियान बाबुल जिहाद और भी अब हैं जिससे बाबुल वालिद भी है जो वालिद के फर्मबरदार होंगे उनके लिए बाबुल वालिद से दाखिल किया जाए बाबू, बाब, जा जा बाब, बाब ला लाला भी है नहीं लाहौल बिल्ला वो भी एक दरवाजे का नाम है जो लाहौल लाहौल कोतः बिल्ला जो है पढ़ेंगे जिक्र तो करेंगे तो उनके लिए वो दरवाज़ा होगा इसी तरीके से बाबू तोबा भी है तो तौबा एक दरवाज़ा होगा जिससे दाखिल होंगे बहरहाल अलगर्ज यह के ये जनत के दरवाजे उसमें दाखिल कर दिया जाएगा जब दाखिल कर दिया जाएगा तो वहां तो नेमतें हैं जिसका जिक्र पिछले दर्श में आपने सुना कि वहां हर एक के जो है हर एक के लिए नेमतें होंगी हर एक के लिए नेमतें जो सबसे अच्छा वहां दर्जात होंगे और नेमतें क्या खाना पीना कपड़ा ओढ़ना बिछोना हर चीज साठ फिट के होंगे मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ तफसी मिल जाता है उसके बहुत दर्ज चाहिए उसके कि इंसान जो है जो भी कद उसकी थी जो भी हाइट थी दुनिया में जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो आदम इस्लाम की जो है सितु ना जरा साठ हाथ बड़े बड़े खूबसूरत शक्ल में जो है उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा वहां सबके लिए महल होंगे होरे होंगी बाद लोग कहते हैं भाई मर्द के लिए होरे मिलती हैं औरत के लिए क्या मिलेगी एक बात याद रखिए जन्नत मिल गई सब कुछ मिल गया खरास चैप्टर क्लोज अल्लाह कुरान में कहता लहुमा जो चाहेंगे अहले जन्नत उनको वो चीज़ मिलेगी और हमारे पास और ज्यादा है और वो ज्यादा अल्लाह का दीदार है जो अभी मैं बयान करने जा रहा हूँ जो सबसे बड़ी अवजीम ने मत होगी माँ तहल का टुकड़ा है, एकाएत का है। जो नफस करेगा, एक औरत जन्नत में जाएगी तो उसकी जो ख्वाहिश होगी वो अमलोलेगी वो उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी की जाएगी मर्द की तमाम ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी भैया एक औरत की तमाम ख्वाहिशें पूरी की जा रही है खत्म क्या चाहिए औरत को जन्नत में वो चीज उसको मिल रही है होरों का जिक्र है अच्छा बाज लोग कहते हैं जो कि गलत तफसर है हूर का मतलब मर्द भी औरत भी गलत हूर सिर्फ मर्द को औरतों को कहते हैं हूर मर्द नहीं होते हैं गलत माना है तफसीर गलत है जिसने किया है किया है जो स्पीकर होते हैं ना वो लोग ऐसी इल्म ना होता ऐसी बोल देते हैं हाँ ये भी मिलेगा शायद क्योंकि हूर का माना है उसका मफह है मकसरात फम वगैरह जो भी है लम लम लमयत में लमयत में ऐसी मैंने कहा सूरह नबा पढ़ कर देखें अगर इंसान सिर्फ हूरों के बारे में पढ़ ले तो बुराइयों से अपने आप को नौजवान मर्द बचा लेंगे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे हर चीज है नमत बहरहाल तो जन्नत में ये होगा मर्द के लिए सारी चीजें औरत के साथ अच्छा फैमिली क्या जन्नत में जाएगी बात है भाई शोहर बीवी शोहर का अकीदा कर सही था अमल सही था बीवी का अकीदा सही था अमल सही था बच्चों के अकीदे भी सही थे अमल था तो पूरों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा कुरान की आयतों में इस बात का जिक्र है जो लोग ईमान ला कर नक अमल करेंगे हम उनकी गुर्रियत को उनकी औलाद को उनके साथ मिलाकर जन्नत में दाखिल करें आएते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप विद फैमिली जन्नत में जाएं जैसे दुनिया में कहीं भी जाना हो तो आप बुकिंग करते हैं फाइव स्टार होटल है घूमना फिरना है विद फैमिली जाते हैं बहुत सारे लोग बात तो लोग अकेले घूमकर आ जाते हैं अलग मामला है उनका तो विद फैमिली अगर आप जाना चाहते हैं तो ऐहिर बात है आप बंदोबस्त करेंगे सबका सबके टिकट खरीदेंगे सबके लिए बुकिंग करेंगे रूम लेंगे खाने पीने का इंतजाम करेंगे जाएंगे घूमेंगे वगैरह सब तो जन्नत में अगर विद फैमिली जाना है तो अपनी पूरी फैमिली को जो आप रबुलबे हैं जिम्मेदार हैं उनके अकीदे की फिक्र आपको करनी पड़ेगी उनके मनहज की उनके अमल की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि वो जन्नत वालों का अमल करके मर जाएंगे जन्नत के तरीके पर चलें तो इंशाल्लाह आप आपकी वाइफ आपके बच्चे इंशाल्लाह साथ में जन्नत में और जाहिर बात इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है आमनू व अहलीकुम करा तुम अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ क्योंकि मैं अपने आप को बचा लिया जहन्नम से तो जहन्नम से बच गया मैं घर वालों को नहीं बचाया घर वाले चले गए जहन्नम में क्या मैं चाहूंगा कि मेरी औलाद जहन्नम में जले इसीलिए अल्लाह कहता है अपने आप को क्योंकि इंसान पहले अप, सबसे ज्यादा अपनी फिक्र होती है उसको तो अपने साथ साथ अपने बीवी बच्चों को जहन्नम से बचाए इसकी फिक्र करें जन्नत में नेमतें होंगी जन्नत में बाजार होंगे जन्नत में मौसम अच्छा होगा मुलाकातें होंगी पहचानेंगे एक दूसरे को लोग जन्नती जहन्नमियों से मुखातब होंगे ये भी सिलसिले में बहुत बहुत कुछ पुराने पाक में जहन्नमी जब जन्नत अरे आप पहचान था दुनिया में भाई आपको अल्लाह ने नियमतें दी हम प्यास से हैं हम तड़प रहे हैं जहनम में कुछ पानी दे दो खाना दे दो जो रिस्क आपको दिया अल्लाह ने लेकिन ऐलान होगा कि नहीं हराम दुनिया में बहुत हेल्प करते थे आप लेकिन वहां जन्नत से एक दाना या एक घुट पानी आप जहन्नवी को नहीं दे सकते हैं ना पिला सकते हैं क्योंकि उन पर अल्लाह ने हराम कर दिया जन्नत में दर्जात भी होंगे ये याद रखना कैटेगरी सबसे आला दर्जा फिरदौस है के लिए अलग किस्म की जन आला दर्जा होगा उनके मुकाम पर पैगंबरों के साथ कोई और नहीं हो सकता बाकी जो लोग हैं वो अपने आमाल अपने अकीदे की पुख्तगी के एतबार से दर्जात पर होंगे हर दर्जा अलग अलग होगा दर्जा तय ऐसे है एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक दर्जा आला जन्ना अदनल जन्ना ठीक है उसके दरमियान अच्छा जन्नत में कम से कम आदमी भी फुल नियमतों में होगा ज्यादा नेमतों में वो समझेगा कि मैं सबसे ज्यादा नेमतों में लेकिन ऊपर वाला दर्जे वाला उससे ज्यादा नियमतों में होगा ये दर्जात भी होंगे वहां पर जाहिर बात है अमल के हिसाब से क्योंकि नेक अमल में भी दर्जात होते हैं ना कोई ज्यादा पढ़ता है कोई कम पढ़ता है कोई ज्यादा इबादत करता है कोई कम इबादत करता है कोई ज्यादा अमल करता है कोई कम अमल करता है जन्नत में सबसे बड़ी चीज एक और एक चीज यह है कि जन्नत में मौत नहीं होगी जवानी खत्म नहीं होगी याद रखना बुढ़ापा नहीं होगा वहां बुढ़ापा नहीं होगा पसीना नहीं होगा औरत को मेंसेस निफास या मैल कुचेल आंख का कान का नोस तो बिल्ला गंदगी जो जिसम से जंगल से निक, जंगजल निकलती हैं इन तमाम चीज़ों से पाक होगी क्योंकि मुताहरा का लफ्ज आया है कुरान जिसकी तफसीर में सारी चीज़ें हैं कि पाक होंगी वो सब जन्नत की हो रहे जन्नत में तो वहां बहुत कुछ है बहरहाल तस्वीर वगैरह होगी जो सांस लेंगे तो तस्वीर वगैरह से रिवायें आई हैं कुरान की आयतें मौजूद है ये हदीसें भी मौजूद की हदीसें से यहाँ हादीस मौजूद है ठीक है जवानी खत्म नहीं होगी और बुढ़ापा नहीं आएगा कमजोरी नहीं होगी परेशानी नहीं होगी कवि ताकतवर होंगे सारे लोग इसी तरीके से मौत भी नहीं आएगी एक बात याद रखना जो जन्नत में चले गए खालिदीन नफिया और जहन में चले गए खालिदीन नफिया मौत की मौत हो जाएगी इस सिलसिले में भी हदीस से मौजूद है जन्नत वाले जब जन्नत में चले जाएंगे जहन्न वाले जब जहन में चले जाएंगे अल्लाह ताला एक कपशे की शक्ल में मौत को लाएगा और कहेगा या अहल जन्न खलूदन ला मौत ए जन्नतियों तुम हमेशा जन्नत में रहो अब तुम्हें मरना नहीं है ए जहन्नमियों तुम हमेशा जहन्नम में जलते रहो अब तुमको मरना नहीं है तो जो मौत आती है ना दुनिया में जैसे आज भी मर गए लोग कल भी मर रहे लोग मर रहे हैं ना तो इस मौत की मौत ये है कि उसको दबाह कर दिया जाएगा खलासा इधर खलूद इधर खलूद खलूद का मतलब हमेश की ऑलवेज इधर भी इधर भी खूब नियमतों में रहेंगे खाते पीते रहेंगे बाजार है मुलाकातें होंगी अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सबको जन्नत में मिलाए यहाँ जो हम साथ एक दूसरे के साथ अल्लाह तभी भी जन्नत साथ के साथ रखे हमें एक सबसे अजीम तरीन नहमत अल्लाह जो अता करेगा अहले जन्नत को वह है रबीन का दीदार जिस पर अहिल जमात का अकीदा है मेरा और आपका अकीदा होना चाहिए कि जन्नत की निगाहों से हम अल्लाह त दीदार करेंगे और ये बात मुस्सित है आयतों से जू ही इदिन नादरा, इला नादरा एक आयत कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे अपने रब का दीदार करेंगे वजीद जो आयत है न हमारे पास और भी ज्यादा है नफ्स जिसकी ख़्वाहिश करता वो है और ज्यादा है तो ये ज्यादा की तफसीर में कि कर रबालमीन का दीदार और नब इस्सलम की हदीसे भी मौजूद है इस सिलसिले में से रिवायत तो होगा क्या जन्नती सब जन्नत में होंगे ऊपर से अल्लाह تعالی आवाज़ देगा ऊपर से ऐसे ऊपर देखेंगे ऊपर ए जन्न, जन्नत हो खुश हो तूने हमारे चेहरों को तरोताज़ा किया जन्नत में दाखिल करके हमको जहन्नम की आग से तूने बचा दिया तूने नमते दी हैं हम खुश हैं और क्या मैंने एक और एक नेमत रखी है तुम्हारे लिए अल्लाह कौन सी नेमत सब कुछ तो है क्या तूने हमको जन्नत में नहीं दाखिल किया जहां नेमतें हैं जहनम की आग से बचा लिया जहां अजाब है और क्या तो अल्लाह ताला अपने चेहरे से पर्दा हटाएगा ये अल्फ़ाज़ हदीस तो ऊपर चेहरे से अल्लाह ताला पर्दा तो ऊपर से आवाज आएगी ना तो जन्नती जो बैठे हुए होंगे ऊपर देखेंगे चेहरे से अल्लाह ताला अपना पर्दा हटाएगा तो अपने रब का दीदार करेंगे अपने रब के चेहरे को देखेंगे अल्लाह और नबी फरमाते हैं इसके बाद इससे बढ़ के कोई खुशी कोई नेमत जन्नतियों के मिलेगी वो अपनी जन्नत की निगाहों से अपने रब का दीदार अलैहिस्सलाम ने दुनिया में दुनिया की निगाह से एक ख्वाहिश तलब की थी कि अल्लाह अरिनी अम्बर मैं तुझको देखना चाहता हूं तो अल्लाह तला ने फरमाया लंतरानी तुम मुझको हरगिज नहीं दे सकते तो लोग लंतरानी बोल के भी पढ़ते हैं वो तो लंतरानी है कहते हैं अरे भाई लंतरानी के बाद वाली आयत नहीं पढ़े क्या रुक गए यहीं पर इसीलिए बोलते अकीदा सीखो इसीलिए बोलते मकानी तुम मुझको हरगिज नहीं दे सकते आगे की आयत में यह है कि अगर तुम इस पहाड़ को देखो एमूसा अगर ये पहाड़ अपनी जगह बाकी रहा तुर तो तुम मुझको देखोगे ये क्या मतलब तुझ मुझको देखोगे इस आयत से दो चीजें नंबर एक मुसाला सलाम ने कैसे तलब किया अगर ये चीज इम्पॉसिबल थी नंबर दो अल्लाह ये कह रहा है कि अगर पहाड़ टिका रहा तो तुम मुझको देखोगे उसके बाद अल्लाह ने जब तजल्ली फरमाई तो पहाड़ रेजा रेजा होगा मुसलब बेहोश हो गए हो और होश आया तो अल्लाह से दुआ की जन्नत की ये दुनिया की निगाह से उन्होंने तलब किया था दुनिया की निगाह में वो पावर वो नूर नहीं है जो अल्लाह तला का दीदार करे जन्नत में मैंने कहा ना स्पेशल तैयार करके दाखिल किया जाएगा जिसमें हाइट के बारे में मैंने आपको बताया तो इसमें कोई शक नहीं है कि जन्नत में दीदार होगा अल्लाह रबालमीन का और अल्लाह रबालमीन से अल्लाह रब्लम के चेहरे को अहले जन्नत अपनी जन्नत की निगाहों से देखेंगे रमजान का महीना चल रहा है बहुत तेजी से दिन खत्म हो रहे हैं जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं जहनम के दरवाजे बंद हैं खैर के काम करने की दावत रोजाना दी जा रही है और हर रात अल्लाह ताला तलाजर से कुछ गर्दनों को आज़ाद कर रहा है मौका अच्छा है दिन बाकी है कहीं ऐसा ना हो कि यह मौका हाथ से चला जाए और हम कुछ ना कर सकें जन्नत में अपनी जगह बनाइए ठिकाना बनाइए अल्लाह से दुआ कीजिए तोबा कसरत से कीजिए और अल्लाह से तोफिक मांगिए नेकमल जितना कर सकते हैं कीजिए नकमल जमा होता जाएगा कल क्यामत के दिन पल पल काम में आएगा आज सुबह भी हमने सुना बाजुओं का इंतकाल हुआ आज सुबह एक हमारे जानने वालों में मेहदीपट्टनम में इंतकाल हुआ एक अंकल का तो हमारे रिश्तेदार के वो थे वो क्या कहते हैं पड़ोसी थे किरायेदार थे उनका इंतकाल हो गया अंकल का तो मैंने उस क्लिप में क्लिप भेजी थी ग्रुप में अपने ब्रदर्स के ग्रुप में भाइयों के हमारे तो मैंने कहा देखिए वो अंकल चले गए क्या लेकर गए अंकल आज अपना अमल लेकर गए जितने लोग मर रहे हैं वो अपने साथ अपना अमल ले जा रहे हैं और कोई चीज़ नहीं घर वाले कहाँ हैं इंसान देखिए अजीब बात मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को इंसान जो है जिंदगी में बहुत कुछ करता है तालीम हासिल करता है पहले दौड़ धूप करता है अमल हम मेहनत करता है कुर्बानी देता है बीवी बच्चों से दूर रहता है ठीक है यह बी बच्चों के साथ रहता है तरह तरह के मार्केट के परेशानियाँ कारोबार की मशाई जॉब का टेंशन बहुत कुछ करता है देखते 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 उम्र जो है उसकी बुढ़ापे की चली जाती है बाद लोग बुढ़े होकर मरते हैं बाद लोग जवानी में मर जाते हैं बाद लोग बचपन में मर जाते हैं बार ओर बिल्कुल बहुत ज्यादा बुढ़ापे में मरते हैं मरता सब है कोई कोविड से मर रहा है कोई विदाउट कोविड मर रहा है आज लोग जो है इतनी एहतियात कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी चीज है सेहत की एहतियात होनी चाहिए कि भाई मास्क लगा के जाओ बहुत अच्छी चीज़ है क्यों ताकि जो है ये वायरस जो है अंदर जाकर हमारे फेफड़ों को तबाह न कर दे और हम मरना चाहें बहुत अच्छी चीज़ है फिक्र है एहतियात आखिरत की फिक्र क्या है

तो हम क्या लेकर जाएंगे खबर में अपने साथ ठीक है बीबी बच्चों के अभी भी लिए हम मेहनत करते हैं पैसा कमाते हैं घर बनाते हैं वो ये दौड़ मेरी जितनी दौड़ धूप तो दुनिया के लिए घर के लिए हम करते हैं क्या इतना आखिरत के लिए अपने लिए अपने अमाल में ज्यादी के लिए हम कर रहे हैं ये बहुत अहम नुकता है जो हम नहीं समझते हैं मैं मेरे साथ क्या लेके जाऊंगा अमल ले। मेरे नेक अमाल मेरे साथ जाएंगे खान साहब क्या लेके जा जाएंगे हामिद भाई क्या लेके जाएंगे आप क्या लेके जाएंगे आप अपने आप से क्या लेके जाएंगे खबर में आप पचास साल रहे साठ साल अमल वो हमारा अगर अमल अच्छा होगा तो खबर में जन्नत की खुशखबरी सुनाई दी जाएगी आप फरिश्ते पैदर पे उतरेंगे और जन्नत की खुशखबरी आपको तो दें जन्त की खिड़कियां खोल दी जाएंगी आपके लिए जैसे अभी से आई है जो हमने बताया था खबर में खबर के मुताबिक तो इस तरफ खास तवज्जो दें हम असल चीज यही है जो इंसान क्या है मालूम इतना बिजी, बिजी। व्हाट्सएप ने बिजी कर दिया फेसबुक ने बिजी कर दिया ऑफिस वालों ने बिजी कर दिया बच्चों ने बिजी कर दिया भाई ये बहाने नहीं चल सकते आप खबर में फरिश्तों को बोलेंगे कि मैं बहुत बिजी था सॉरी मैं फिर से जरा जाके मैं थोड़ा पढ़ पढ़ के आता हूँ थोड़ा सा पढ़ के कुछ वहां तीन सवाल होंगे जवाब पर आपका अमल होगा बस आपके साथ कार्रवाई की जाएगी तो। एक मरतबा बंद आंख तो खत्म और हाल यह है कि हम जो है दुनिया में इतने पड़े हुए हैं बिजी 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 कुरान पढ़े अरे देखते देखते रमजान चले गया भाई अब देखिए आज कितने रोजे हो गए भाई नौ कितने पारे पड़े आप कितने पैसे खर्चा किए कितनी नेकिया किए कितनी तोबा किए नौ रोजे हो चुके हैं आंख यहाँ पर सऊदी अरब और इंडिया में आठ हो गए पाकिस्तान में आठ हो गए ऐसी चीज अब बिजी बिजी है जब तक वो आप मुझको बोलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बिजी बिजी चलता फरिश्तों को तो नहीं बोल सकते ना बिजी बिजी अल्लाह को तो नहीं कह सकते अल्लाह में मसूफ था किस चीज़ में मरूफ ते जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी अमल वो नहीं करे आप तो देखिए ये दुश्मन जो है और आखिरी बात जो मैंने उसमें भी की क्लिप में खत्म कर रहा हूं एक जंग लड़ रहे हैं हम लोग इस जंग में अगर जीत हमारी है तो हमारे लिए जन्नत है पूरी दुनिया मैं और आपने ये जंग तलवार की नहीं है मिसाइल्स की नहीं है या जो है तीर कमान की जंग नहीं है ये घोड़ों की तोपों की जंग नहीं है ये ये जंग इंसान की के साथ है या वो जीतेगा या आप जीतेंगे कितने इंसान हैं जो इबलीस के फॉलोअर्स हैं इबलीस अगर जीत गया तो आपको जहन्नम में ले जाएगा वो तो जाएगा वो हारे जीते जहन्नम में जा रहा है चैप्टर क्लोज है उसका अगर इबलीस आपको हरा दे मुझको हरा दे वो जहन्नम में हमें ले जाएगा चल भाई दुनिया में भी सुना यहां भी सुन मेरी बात चल अगर हमने उसको हरा दिया पछाड़ दिया तो हमारे लिए जन्नत है इस जंग में आप और मैं सब शामिल है मर्द औरत पढ़ा लिखा अनपढ़ आलम, फादिल आमी मुफ्ती सब बादशाह आमी सब है अल्लाह की इसीलिए कहते हैं ना तो दुनिया में जो है दो किस्म के लोग या तो अल्लाह की बात मानने वाले या इबलीस की बात मानने वाले जो अल्लाह की बात मानने वाले हैं वो जन्नती है जो इबलीस की पीछे चलने वाले हैं उसको फॉलोवर्स है उसकी बात माने है, वो दो अब में इन इबल, इन शैतानों पर गलबा पाने का अच्छा मौका मिलता है क्योंकि उनको कैद कर दिया गया है आजादी उनकी छीन ली गई रमजान के बाद फिर खोल दिए जाएंगे आजाद कर दिए जाएंगे तो इस महीने में अच्छा चांस है कि मैं और आप पछाड़ दें उसको जीत जाए जंग ताकि उसके बाद कभी ना भटका सके वो अल्लाह हम सबको समझने की तोफ़ी अदा फरमाए अल्लाह से दुआ अल्लाह दुआल्ला जन्नत जैसा अजीम घर हमें बना दे घर हमें नसीब हो अल्लाह ताला दुखुल अवली की तोफीक अदा फरमाए जहन्नम से खुद को अपने घर वालों को बचाने वाला बनाए और अल्लाह ताला सही अकीदे पर कायम रखे हमको हमारी औलाद को और सही मनहज पर हमको हमारी औलाद को कायम रखे सुन्नतों के मुताबिक अमल करने रसूल पर जिंदगी गुजारने के अल्लाह सबको हमको तोफिकता फरमाए और अल्लाह ताला जो है हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए मौत से जन्नत तक का सफर खत्म हुआ मौत से जन्नत तक का सफर का यह सिलसिला जो कई महीनों से चल रहा है खत्म हुआ एक चीज पक्की है दूसरी चीज मेरे और आपके हाथ में है एक चीज हमारे हाथ में नहीं है मौत के बच्चों मैं और आप मौत से नहीं कन्फर्म है यासिर जाबरी को जब मौत मरना है यासिर जाबरी मरेगा मैं मरूंगा अब बोलूंगा तो नहीं मरूंगा नहीं बोलूंगा तो नहीं मरूंगा मेरी मौत लिखी हुई है यासर जाबरी को फला फला वक्त में फला जगह पर इंडिया में जद्दा में पता नहीं कहा मेरी मौत है कब मेरी मौत है मुझे खुद नहीं मालूम है डर भी होता है तय है असदुल्ला खान साहब हामिद सब तय है तो इस पर कुछ भी नहीं है फातिमा आयशा जकरिया फला सबको मरना है जन्नत हासिल करें मौत से जन्नत तक का सफर एक सफर तो मौत से शुरू होगा मौत कंफर्म है जन्नत मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है जन्नत पाना है जन्नत के लिए कोशिश करना है रमजान से अच्छा मौका नहीं मिलेगा ये सिलसिला यहाँ पर खत्म हुआ जो हमने आपसे वादा किया था कि एक सिलसिला हम आपके सामने पेश करेंगे पूरा सिलसिला अलहमद ला प्रोग्राम का चल रहा था रमजान से काफी पहले कुछ माह पहले हमने शुरू किया था और कोशिश थी कि रमजान आने से पहले खत्म हो जाए लेकिन रमजान के दो हफ्ते हमने आपके ले लिए और तो उम्मीद के आप इसमें यकीन फायदा हुआ होगा अब कोशिश करना है ये सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है बल्कि अमल है मौत के बाद की जिंदगी को संवारने के लिए और जन्नत में अपनी जगह बनाने के लिए जन्नत में अपने महलों को अपने घरों को तैयार करने के लिए एक अच्छा मौका है आ, हम जिंदगी में मौका है रमजान में भी है रमजान के बाद भी है जब तक हमारी हयात है अल्लाह ताला हम सबको इसकी अता फरमाए आखिर में मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिस अल्लाह तला ने

तो अलहमदिल्ला उनके मशवरे से ये सिलसिला शुरू हो गया और उसके बाद में ख़ास तौर से असदुल्ला खान साहब ये उन्हीं का घर है खान साहब का हमारे उनको खान साहब खान साहब मैं बोलता हूँ उन्हीं के घर में ये प्रोग्राम होता है हमेशा यहीं हुआ है प्रोग्राम तो माशाला अल्लाह तुन उनको उनके घर वालों को जज़ाय खैर दे जो खिलाकर पिलाकर जो है तैयार करते हैं कि आप बोलिए रेडी करके बिठाते हैं कि आप बोलिए कोई कमी नहीं करते हैं अल्लाह जज़ाय खैर दे भी रखी हुई है देखिए कुछ चीज़ें तो अल्लाह जज़ाय खैर दे उनको उसके बाद हमारे हामिद भाई हैं जितनी रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी आपको पता है जो आपको मिक्स लाल पर रिकॉर्डिंग्स आते हैं या इसके अलावा ऐलाना आते हैं आप तक प्रोग्राम्स के मेरे प्रोग्राम्स के खास तौर से कह रहा हूँ अल्लाह जजाय खैर हमारे हामिद भाई के इसमें बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ी अहमियत है अल्लाह तला इन दो खास हमारे शागिरदों को साथियों को दावा टीम के खास लोगों को अल्लाह जजाय खैर अता फरमाए और इसके अलावा भी हमारे दावा टीम के जो भी लोग हैं जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं इस प्रोग्राम में अल्लाह तला उनकी भी खिदमात को कबूल फरमाए और आप सामानी और नादरीन जो जहां बैठकर मुझे नहीं पता कौन कहां बैठकर सुन रहे हैं आपने सुना पूरा सिलसिला आपने देखा आपने मालूम किया आपने वक्त दिया इसके लिए अल्लाह आपके इस वक्त को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में दाखिल फरमा दे जैसे यहां हम इस जूम या यूट्यूब या फेसबुक पर जमा हुए हैं अल्लाह एक नेक अमल के लिए अल्लाह ताला इससे हम सबको जन्नत में जमा फरमा दे आमीन या अरबा आलमी सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि अल्लाह के रसुल हदीस में बयान फरमाया वो इंसान अल्लाह का शुक्र नहीं बजा ला सकता है जो लोगों का शुक्र अदा ना करे तो इसमें जो जो लोग अपना हिस्सा दिए हैं अल्लाह उन सबको बेहतर बदलाता फरमाए मैं उनका तहदिल से मशहूर और ममनू हूँ और मैं ये कहता हूँ असल वर वी अगर बाज आप में से ऐसे लोग हैं ये टोटल कितने होंगे पच्चीस पच्चीस क्लासेस हुई हैं इसकी ट्वेंटी फाइव मतलब सिलसिला है इसका क्लासेस हुई हैं या प्रोग्राम हुए हैं तो जो शुरू में नहीं थे बाद में ज्वाइन हुए या कुछ क्लासेस मिस हो गए यूट्यूब हमारा जो चैनल है उस पर जो है आपको मिल जाएगी पूरी क्लासेस पूरा सिलसिला आपको मिल जाएगा ठीक है जजाकल्ला खैर जजाक खैर कफारजिस पढ़ने सुबह असल वरि व